हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन, व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने मन के विचारों के बारे में। मन में जो काव 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 चालू रहती है उसके बारे में। हमारे दिमाग में, मतलब हमारे अंतर मन में 50,000 से 60,000 थॉट्स रोज आते रहते हैं और वो ऑटोमेटिक है। जैसे ही हमको बचपन में भाषा आना चालू हो गया, मतलब बच्चे को 2 साल के उम्र में भाषा आना चालू हो जाती है और वहाँ से वो विचार बनना चालू हो जाता है, तो 2 साल की उम्र के बाद में से जो भी घटनाएं हुई है वो घटनाएं सब हमारे दिमाग में प्रिंट हो जाती है, छप जाती है। वो सब अतीत है, पास्ट है। और फिर वहां से, मतलब वो उसके बारे में दिमाग में कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ विचार चालू रहते हैं। 50,000 से 60,000 विचार रोज 24 घंटे में हमारे दिमाग में आते रहते हैं। और वो विचार जो है वो एक्चुअली आपको चलाते हैं, आपके ही विचार आपको चलाते हैं। मतलब कैसा है कि आप ठहरा, आप समझो पक्का ठहरा थे कि नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं कल सवेरे उठूंगा और कल सवेरे उठ के मैं एक्सरसाइज करूंगा। ये मैंने खुद को वचन दिया, रात को अलार्म लगाया, मैं सो गया। अब मैंने क्या ठहराया कि नहीं, मैं कल सवेरे उठ के एक्सरसाइज करूंगा, घूमने जाऊंगा या जिम में जाऊंगा। सवेरे 5 बजे का अलार्म लगाया, जैसे ही अलार्म बज जाता है तो अंदर के विचार चालू हो जाते हैं। वो जो काव 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 है वो चालू हो जाती है। वो क्या बोलते कि आज के दिन मत जा, वैसे बहुत ठंड है, कल तो रात को तू बहुत लेट सोया था, आज तो दिन भर बहुत काम होने वाला है, बहुत काम करने, मतलब करना पड़ेगा। वैसा तो वो बाजू वाला रोज सवेरे घूमने जाता था, जिम करता था, इतना मोटा, तभी भी हार्ट अटैक से चले गए। क्या फायदा, एक दिन नहीं गया तो कौन सा नुकसान होने वाला है, तो आज के दिन मत जा, कल से जा। अब ये थॉट जो है वो मेरा ही थॉट है, ऐसा मुझे लगता है, मैं हूँ और मैं खुद को बोल रहा हूँ ऐसा मुझे लगता है। वो एक्चुअली मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं रात को जो सोया वो व्यक्ति हूँ जिसने ठहराया कि नहीं, मेरा ऐसा वचन है कि मेरी ऐसी संभावना है कि मैं कल सवेरे उठ के 5 बजे उठ के मैं जिम जाऊँगा या एक्सरसाइज करूँगा, वो मैं हूँ। और ये जो नहीं बोलने वाली, मतलब नकारात्मक जो सोच है, नकारात्मक जो कॉमेंट्री दिमाग में चालू रहती है, वो मेरे थॉट्स है, वो अंतर्मन की आवाज़ है। मोस्टली वो निगेटिव है, वो आपको नहीं करने देंगे कुछ भी, ये संभव नहीं है, वो संभव नहीं है, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूस चालू रहती है। वो जो आवाज़ है ना, वो अपने बारे में आवाज़ चालू रहती है, वो विचार अपने बारे में चालू रहती है, लोगों के बारे में विचार है, परिस्थिति के बारे में विचार है। मेरे बारे में कौन से विचार है? मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं इतना होशियार नहीं हूँ, मैं दिखने में इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं मोटा हूँ, मेरा ऊंचा कद है, मेरा छोटा कद है, मुझे लोग सपोर्ट नहीं करते, मैं मतलब मेरे पास में बहुत ज़्यादा नहीं है, कमी है, मैं लोगों को सपोर्ट मांगता हूँ, लोग ना बोलते हैं, लोग मुझे अच्छा नहीं बोलेंगे, लोग मेरी मतलब मजाक उड़ा देंगे, ऐसा कंटिन्यूसली अपने बारे में विचार चालू रहते हैं। वैसे ही लोगों के बारे में विचार चालू रहते हैं, मेरी सास ऐसी है, मुझे सपोर्ट नहीं करती है, मुझे वो ताने मारते रहती है, मेरे पिताजी ऐसे ही है, मेरा भाई ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा लड़का ऐसा है, लोग ऐसे हैं, सबके बारे में मेरे दिमाग में विचार चालू है। पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है, रास्ते कैसे हैं, लोग कैसे हैं, पॉलिटिक्स कैसा है, मतलब इसके बारे में मेरी राय है, और वो विचार मेरे दिमाग में चालू रहते हैं। अब ये जो विचार है चालू, वो मुझे चला रहे। उसे होता क्या है कि जब मैं किसी को सुन रहा हूं, कोई मेरे से बातें कर रहा है, तो ये तो मेरे दिमाग में 24 घंटे चालू है, सिर्फ सोने का टाइम छोड़ के, बाकी तो चालू है। अभी ये कंटिन्यूअसली यदि कॉमेंट्री, यदि लाउड स्पीकर ये दिमाग में मेरा चालू है कंटिन्यूअसली, तो फिर जो सामने वाला मेरे से बात जो कर रहा है वो मैं बात पूरी सुन ही सकता नहीं हूँ, असंभव है सुनना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक कॉमेंट्री अंदर चालू है, एक लाउड स्पीकर के ऊपर एक कॉमेंट्री थॉट्स चालू है, तो फिर लोगों को सुनने का मौका ही मुझे पूरा कहाँ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे पहले प्रेजेंट होना पड़ेगा,
कि नहीं ये जो विचार है मेरे दिमाग में, ये विचार ऑटोमेटिक है, ऑटो पायलट है, ये मेरे विचार है नहीं है, ये बचपन से जो भी मैंने देखा, जो भी अनुभव किया, वहाँ से वो विचार तैयार हुए हैं, वो मैं नहीं हूँ, वो अलग है, और वो मुझे लोगों को सुनने देते नहीं है, परिस्थिति को वहाँ मौजूद मुझे होने देते नहीं है, परिस्थिति के सामने वो उसको शेप करती है, वो उसको कलर मारती है, वहाँ से मैं उस कुछ भी लोगों को देखता हूँ या सुनता हूँ। जब ऐसा है और ये जब मुझे पक्का पता लगेगा कि नहीं ये जो थॉट्स है वो मुझे पूरा काम नहीं करने देते, वो थॉट्स है वो मुझे खींच रहे हैं, वो जो थॉट्स है कंटिन्यूसली वो मुझे मतलब मेरा 100% देने देते नहीं है, वो थॉट की वजह से मैं कोई भी काम लेता नहीं हूँ, वो थॉट्स की वजह से मैं जवाबदारी लेता नहीं हूँ, क्योंकि कोई जवाबदारी देता नहीं, मेरे मुझे जमाएगा नहीं, मैं नहीं कर सकता, मेरे से होगा नहीं, ऐसा बोलते लोग। तो फिर एक बार ये मौजूद हुआ कि वो मैं नहीं हूँ, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए कुछ भी संभव है, क्योंकि आपको रोकने वाला वो जो थॉट है, वो थॉट्स है, वो आप नहीं है, आपको लगता है कि ये मैं हूँ। तो एक बार ये थॉट को आप प्रेजेंट हो गए कि वो थॉट है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि एक बार वो आपको डिस्टिंग्विश हुआ कि वो मैं नहीं हूँ, फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये नियम उसको वर्तमान में आए, और वर्तमान में आने के लिए अंदर की कॉमेंट्री है, उसको कॉमेंट्री करके सुनना है, सिर्फ कॉमेंट्री है वो। समझो अभी मैं कार चला रहा हूँ, अभी कार चला रहा हूँ और मुझे मैं कुछ भी कोई गाने सुन रहा हूँ, या कोई रनिंग कॉमेंट्री क्रिकेट की सुन रहा हूँ, जब ऐसा सुन रहा हूँ मैं, कोई रनिंग कॉमेंट्री है या गाना है ऐसा, तो मेरा बाजू वाला जो बैठा हुआ है उसको सुनने का मेरा मतलब मुझे मौका कहाँ है, क्योंकि वो जो बोल रहा है मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ऑलरेडी कॉमेंट्री चालू है। तो ये तो दिखती हुई कॉमेंट्री है, क्रिकेट की कॉमेंट्री, वो दिखता है कि कॉमेंट्री सुन रहे हैं आप, कोई रेडियो के गाने सुन रहे हैं वो तो आपको दिख रहा है कि आप सुन रहे हैं भाई, मगर ये कुछ भी ना होते हुए भी अपने दिमाग में कॉमेंट्री चालू है, विचार चालू है, और वो कंटिन्यूस काव 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 चालू है, आवाज़ चालू है, और वो आवाज़ जो है आपको इतनी डिस्टर्ब करती है, हमको वर्तमान में मौजूद नहीं होने देती, हमको सोने देती नहीं शांति से, हमारा जीवन जो है वो पूरा जीवन जो है वो अंतर्मन की आवाज़ जो है वो चला रही है। यदि हम अंतर्मन की आवाज़ को, ये काव काव को हम प्रेजेंट हो गए, तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि अभी वो रोकने से हम रुकेंगे नहीं। अभी ऐसे काफ़ी लोग होंगे कि जिनको ये पता ही नहीं होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जिन्होंने देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा इस तरह का है करके, आपके परिचित होंगे, तो वीडियो उनको जरूर शेयर कीजिएगा। आपके व्हाट्सएप के ग्रुप होंगे उसके ऊपर शेयर करो, फेसबुक के ग्रुप होंगे उसके ऊपर शेयर करो ये वीडियो की लिंक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने। हम जो कोचिंग करते हैं ना, मेरे तरफ जब पेशेंट आते हैं साइकियाट्री के, मनोविकार के, उनको मैं कोचिंग देता हूँ, साइकोथेरेपी, मानसोपचार करता हूँ, तो उनको जब ये मौजूद में ये जब उसको जब मौजूद हो जाते हैं, इसको जब वो प्रेजेंट हो जाते हैं पेशेंट लोग, कह रहे ये तो मुझे चलाने वाला मेरा आवाज़ है, वो काव काव है मेरी चलाने वाले, तो एकदम वो ठीक हो जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं यार अभी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो जब पेशेंट को संभव है तो आपको भी संभव होगा, क्योंकि आवाज़ तो सभी व्यक्तियों के अंदर चालू है। तो जरूर ये वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को शेयर करो, आपके ग्रुप के ऊपर डालो। थैंक यू वेरी मच।